भूलते हैं, अपना पुत्र ही मानते, अपना बेटा ही मानते। यह ब्रज के परिकर और मथुरा और द्वारिका के परिकर का भाव कैसा है? मथुरा और द्वारिका के परिकर भी कृष्ण को अपना बेटा मानते हैं, कृष्ण को अपना बंधु मानते हैं, कृष्ण को अपना सखा मानते हैं, लेकिन कृष्ण थोड़ा सा ऐश्वर्य दिखा दे, ये सारा संबंध छूट जाता है और कृष्ण को भगवान मानने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं। जैसे आप अर्जुन को ले लीजिए, अर्जुन कृष्ण के सखा थे और कृष्ण के साथ उनका साख्य भाव था, लेकिन जिस समय ही भगवान कृष्ण ने दसम अध्याय में विभूति योग का वर्णन किया, जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी अनेकों विभूति प्रकट करने लगे, जिस समय कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया, अर्जुन तेजो में मैं सूर्य हूं, फलाने में मैं ये हूं ये हूं ये हूं, और अंत में कृष्ण ने कहा यत यत विभूति मत्सत्वम शिमतम ऊर्जितम एव वा तत्तत एव अवगच्छत्वम मम तेज अंश संभव। अर्जुन, इस दुनिया में जितनी भी विभूति है, इस दुनिया के जितने भी पराक्रम हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं, ये क्या है? ये मेरे तेज का एक छोटा सा अंश, एक मेरा छोटा सा स्फुलिंग है। अब कहने को तो हम भी कह सकते हैं कि ये सब कुछ हमारा तेज है। अर्जुन ने कहा प्रभु आप बोलेंगे ये नहीं चलेगा, थोड़ा सा सैंपल दिखा दीजिए, आप बोलोगे और मैं मान जाऊंगा? थोड़ा सा दिखाइए, आप जो बता रहे हो आपकी विभूति, थोड़ा सा दर्शन कराइए मुझे। भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किया और एकादश अध्याय में कृष्ण ने अपनी विभूति का विभूति को प्रकट कर दिया। कृष्ण ने अर्जुन को विश्व रूप दिखा दिया और उस विश्व रूप में तीनों लोक एक साथ, तीनों काल भूत भविष्य वर्तमान, तीनों काल अर्जुन ने एक साथ कृष्ण में देख लिया, देख लिया समस्त देवी देवता गंधर्व किन्नर यक्ष चारण विद्याधर मनुष्य, ये सब लोग कृष्ण के अंदर। यहां तक महाभारत की भूमि में जितने भी लोग खड़े हैं, ये सब लोग कृष्ण रूपी काल के कवर बन चुके हैं। और जब इस प्रकार से अर्जुन ने देखा, अर्जुन तो कांप गए। भगवान को उग्र रूपम, ये उग्र रूप में आप है वो कौन? तब कृष्ण ने कहा कालोस्मि लोकक्षय कृतम प्रवुत्तम। अर्जुन, मैं साक्षात काल हूं। जब भगवान ने विश्व रूप दिखाया, तब जो अर्जुन कृष्ण को अपना मित्र मानता था, कृष्ण को अपना सखा मानता था, इस विश्व रूप देखने के बाद अर्जुन का भाव बदल गया। वहां यशोदा ने भी देखा, लेकिन यशोदा ने तो यही माना कि ये मेरा बेटा है और इसके ऊपर कोई बुरा ग्रह चल रहा है, लेकिन अर्जुन ने क्या सोचा कि मैं इसे मेरा मित्र मानता था, ये मित्र नहीं, ये तो साक्षात भगवान है। तुरंत अर्जुन को पसीना निकलने लगा, दोनों हाथ जोड़कर कृष्ण को प्रार्थना करने लगे और आंखों से अजस अविरत अश्रु की धारा बहने लगी। अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिर गए, कृष्ण आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, आज तक मैं आपको मेरा सखा मान रहा था, लेकिन आज मुझे पता चला कि आप सखा नहीं हो। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे या दवहे सखेति अजानताम सीमानम तवेदम मया प्रमादा
प्रणवेन वाक्य यच्चावहासा थमसत्कृतोऽसि विहारशय्या सनभोजनेषु एकोत्थवाप्य च्युत तत्समक्षम् दक्षामये त्वां महमप्रमेय। दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए बिलखते हुए अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिर गए। कृष्ण आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कृष्ण आज तक मैं आपको अपना मित्र मानता था, आज तक मैं आपको अपना सखा मानता था। मैं नहीं जानता था कि आप साक्षात ईश्वर हो, आप साक्षात भगवान हो। आज मुझे पता चला कृष्ण। और मित्रता के भाव में कभी कभी मैं आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, मैं आपको तुकार करके पुकारता था। कृष्ण कृष्ण कभी कभी मैं तो आपसे मजाक कर बैठता था। लेकिन आज मुझे पता चला कृष्ण आप मुझे क्षमा कर देना। जैसे एक पिता अपने पुत्र की गलती को क्षमा कर देता है, जैसे एक पति अपनी पत्नी की गलती को क्षमा कर देता है, वैसे प्रभु आप इस दास की, इस तुच्छ जीव की गलती को क्षमा कर दीजिएगा। यह है अर्जुन का भाव। अर्जुन कृष्ण के सखा है। कृष्ण ने थोड़ा सा ऐश्वर्य दिखा दिया, साख्य भाव छिप गया और ऐश्वर्य भाव भगवत्ता उद्दित हो गई। और वहां कृष्ण ने अपने सखाओं को गिरिराज गोवर्धन उठा लिया, लेकिन फिर भी वो गाली के गाली देते रहे सारे, ये तूने नहीं उठाया, ये हमारे घर के माखन का बल है। ये अंतर ब्रज परिकर और मथुरा द्वारिका के परिकर में ये अंतर है। ब्रज परिकर के सामने भगवान कृष्ण कितना ही ऐश्वर्य दिखाए, वह ऐश्वर्य जो है प्रकट नहीं होता। ब्रजवासी गण कृष्ण को अपना संबंधी ही मानते हैं। और मथुरा द्वारिका के परिकर के सामने ऐश्वर्य प्रकट होते ही संबंध छिप जाता है, भगवत भाव ऐश्वर्य भाव ऊपर आ जाता है। श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में दृष्टांत देते हुए कहते हैं, ये मथुरा और द्वारिका के परिकर का जो भाव है, ये पिघले हुए घी के समान है। और ब्रज के परिकर का भाव ठंडी की मौसम में जमे हुए घी के समान है, है ना। पिघला हुआ घी, गर्म किया हुआ पिघला हुआ घी एक कांच की बोतल में रखो और एक जमा हुआ घी एक कांच की बोतल में रखो, आप पिघले हुए घी में सोने का सिक्का डालोगे तो वह आर पार दिखेगा। अर्थात उस द्वारिका के परिकर में भगवान का ऐश्वर्य दिख जाएगा, लेकिन जमे हुए घी में सोने का सिक्का डालो वे सिक्का दिखेगा नहीं, वो सिक्का ही खो जाएगा। ब्रजवासियों का प्रेम जमे हुए घी के समान है। कृष्ण कितना भी ऐश्वर्य दिखाए वो घी जमा हुआ ही रहता है। लेकिन ध्यान रहे भक्तों, घी चाहे जमा हुआ हो या पिघला हुआ, घी घी होता है, उसका दाम भी बराबर होता है, उसकी वैल्यू भी बराबर होती है, वो घी घी होता है। अर्थात दोनों का प्रेम प्रेम ही है, दोनों की भक्ति है, लेकिन भक्ति के भाव में यह डिफरेंट है। अब आइए इस प्रसंग के ऊपर। जब भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठे तो देवी कुंती को प्रणाम करके बैठे। कुंती अपना पुत्र मानती थी कृष्ण को, उन्होंने आशीर्वाद दिया। लेकिन कृष्ण ने जब उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, अपना ऐश्वर्य उत्पन्न किया, तब देवी कुंती का भाव बदल गया और कृष्ण को भगवान मानने लगी। और देवी कुंती दौड़कर आई और कृष्ण को स्तुति करने लगी। कुंती के द्वारा बहुत सुंदर स्तुति। श्री कुंती उवाच नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वर प्रकृते परम अलक्ष्यम
सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। महारानी कुंती कृष्ण के पास आकर उनको स्तुति करती हैं और महारानी कुंती की स्तुति का यह प्रथम श्लोक है और प्रथम श्लोक में देवी कुंती भगवान कृष्ण को प्रथम श्लोक के प्रथम शब्द में नमस्कार कर रही हैं, प्रणाम कर रही हैं। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरे प्रकृते परम। हे कृष्ण, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। देवी कुंती ने, क्योंकि कृष्ण रथ पर सवार थे, कुंती नीचे खड़ी थी और कुंती ने कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया और उनको प्रणाम करने लगी। जैसे देवी कुंती कृष्ण को प्रणाम करने लगी, भगवान कृष्ण कहने लगे कि बुआ जी, आप तो मेरी माँ के समान हो, मैं तो आपका छोटा सा बच्चा हूँ, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हो। भगवान ने देवी कुंती को ऊपर उठा लिया, बोले आप तो मेरी माँ हो, मैं तो छोटा सा आपका बालक हूं। जब कृष्ण ने कहा कि मैं आपका छोटा सा बालक हूं, तब देवी कुंती ने बहुत सुंदर बात बताई, बोले कृष्ण आप दिखने में बालक लग रहे हो, कृष्ण आप दिखने में बालक लग रहे हो, तत्व से यदि देखा जाए तो इस चराचर जीव के, इस पूरे ब्रह्मांड के बाप हो आप, इस दुनिया के एकमात्र पिता हो। नमस्ये पुरुषम तु आद्यम, कृष्ण आप ही संसार के पिता हो, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, क्योंकि इस जगत के आदि एकमात्र आप हो। देवी कुंती कहती है नमस्ये पुरुषम तु आद्यम, हे कृष्ण आप सबके आदि हो, इसलिए आप सबके पिता हो। यदि हमें पूछा जाए कि हमारे आदि कौन है, हमारे पिताजी, उनके आदि उनके पिताजी, उनके आदि उनके पिताजी, उनके पिताजी उनके पिताजी, करते 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 जाएंगे तो अंत कहां आएगा, भगवान कृष्ण में। क्योंकि संसार में सब लोग कृष्ण से प्रकट हुए हैं। ईशा वाश्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माकृत कस्य स्विद्धनम, ईशोपनिषद का यह प्रथम मंत्र है। इदम जगतम, ये जो जगत हमें दिख रहा है, इदम जगतम, इस जगत में जितने भी जीव जितने भी लोग हमें दिख रहे हैं, ईश आवास्य भगवान से प्रकट हुए हैं, इसलिए सबके आदि, सबके स्रोत, सबके रूट एकमात्र कृष्ण है, एकमात्र कृष्ण। कई बार संसार के लोग तर्क करते हैं, बताओ पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, इसका कोई अंत नहीं, लेकिन लोग ऐसा तर्क करते, पहले मुर्गी के अंडा, हम कहेंगे पहले अंडा तो मुर्गी कहां से आई, हम कहेंगे मुर्गी तो अंडा कहां से आया। कुछ लोग तर्क कहते हैं पहले बीज आया कि पहले वृक्ष आया। भक्तों, इसका उत्तर देते हुए गीता में कहा गया सबसे पहले बीज आया। तो प्रश्न हुआ ये बीज कहां से आया, भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदह पिता, इस दुनिया को बीज देने वाला एकमात्र मैं ही पिता हूं। और इसीलिए तो शास्त्र ने एक साथ हाथ जोड़कर कहा ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे प्रभु, आप ही सबके आदि हो, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम, कृष्ण आप सबके आदि हो, आप सबके स्रोत हो। और इतना ही नहीं, पुरुषम, आप ही एकमात्र पुरुष हो। देखिए महारानी कुंती की स्तुति प्रत्येक श्लोक प्रत्येक शब्द विचार करने योग्य है। कहते हैं कि आप परम पुरुष हो। भक्तों, इस संसार में तत्व से यदि देखा जाए तो स्त्री है लेकिन पुरुष भी स्त्री है। आप कहोगे ऐसी कैसी बात आप लेकर आ गए,
कई बार पुरुषों को अभिमान होता है कि हम पुरुष हैं तुम स्त्री हो, लेकिन तत्व से देखा जाए तो स्त्री भी स्त्री है और पुरुष भी स्त्री है। क्योंकि भक्तों इस संसार में जितने भी जीव हैं ये सारे जीव भगवान की शक्ति हैं, और शक्ति होने के कारण चाहे पुरुष चाहे स्त्री ये सब भगवान की शक्ति स्त्री है, फीमेल। तब प्रश्न होगा पुरुष कौन? पुरुष एकमात्र कृष्ण है, एकमात्र कृष्ण, कृष्ण ही पुरुष, बाकी सब इस संसार में स्त्री, उनकी प्रकृति है। एक बार मारवाड़ में रहने वाली मीराबाई विचरण करते करते ब्रज वृंदावन में चली गई। उन दिनों वृंदावन में एक बहुत बड़े संत रहते थे जिसका नाम था जीव गोस्वामी। राधा दामोदर मंदिर में वे रहते थे, मीराबाई उस मंदिर में गई और वहां के शिष्य को कहा कि मैं मारवाड़ से आई हूं और जीव गोस्वामी से मिलना चाहती हूं। शिष्यों ने यह बात जीव गोस्वामी को बताई। जीव गोस्वामी ने कहा जाओ जाकर उस महिला को कह दो कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता हूं, ये मेरा व्रत है कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता हूं। ये शिष्य मीराबाई के पास आए और कहने लगे हमारे गुरुजी किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं। तब मीराबाई ने इतना ही कहा, आज तक मैंने इस दुनिया में सुना था, आज तक इस दुनिया में एक ही पुरुष था, आज ये दूसरा पुरुष कहां से उत्पन्न हो गया जो स्त्री से मिलना नहीं चाहता है। इतना कह के मीराबाई वापस चली गई, लेकिन इन शिष्यों ने जाकर जीव गोस्वामी को जब ये बात बताई, जीव गोस्वामी को समझ में आया ये कोई साधारण महिला नहीं, ये तो तत्वज्ञानी महिला है। जीव गोस्वामी खड़े हो गए और मीराबाई को स्वयं जाकर वहां पर मिले। कहने का तात्पर्य यह है इस संसार में एक ही पुरुष है और वह है भगवान कृष्ण, कृष्ण, बाकी सब उनकी प्रकृति है, बाकी सब उनकी शक्ति है। इसलिए देवी कुंती कहती है नमस्ये पुरुषम, हे पुरुष हे कृष्ण आप साक्षात पुरुष हो, आप सबके आदि हो, इतना ही नहीं आप ईश्वर हो। ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर, नियंता। कृष्ण आप ही ईश्वर हो। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जाहे देखे नाचाए ते तैसे करे नृत्य। इस संसार में ईश्वर एक ही है और वो है कृष्ण, और इस दुनिया में रहने वाले जीव को जिस प्रकार से वो नचाना चाहे संसार के लोग उसी प्रकार नाचते रहते हैं जैसे कठपुतलियों का खेल चलता है। कृष्ण आप ही ईश्वर हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा मां मैं ईश्वर हूं? आचार्यों ने अपनी टीकाओं में अपनी कॉमेंट्रियों में ये सारी बातें लिखी हैं। बोले मां मैं ईश्वर हूं, मैं कैसे ईश्वर हो सकता हूं? यदि मैं ईश्वर होता तो अपने धाम में होता, यहां क्या करता? कृष्ण तर्क दे रहे हैं, यदि मैं ईश्वर होता मैं भगवान होता तो वैकुंठ में होता, यहां पृथ्वी पर क्यों आता? तब देवी कुंती कहती हैं प्रकृते परम, आप इस प्रकृति की रक्षा करने के लिए इस भव प्रवाह को प्रारंभ करने के लिए यहां पर आते हैं, लेकिन मैं जानती हूं कृष्ण आप अपने वैकुंठ धाम से इस प्रकृति में आते हो, इस प्रकृति में प्रवेश होते हो, लेकिन फिर भी आप प्रकृति के नियम से बाधित नहीं होते हो। प्रकृति में रहने के बाद भी प्रकृति के नियम आपको स्पर्श नहीं कर पाते हैं। भक्तों हम भी इस प्रकृति में रहते हैं लेकिन प्रकृति के नियम से हम लोग बाधित हैं। थोड़ी सी बारिश होगी तो हम लोग मंगला आरती में नहीं जा पाएंगे, प्रकृति का नियम। प्रकृति का नियम है बच्चा होता है जवान और जवान आदमी बूढ़ा हो जाता है और बूढ़ा एक ना एक दिन मर जाता है, यह प्रकृति का नियम। लेकिन यह प्रकृति का नियम कृष्ण को लागू नहीं होता है, क्योंकि देवी कुंती कहती है प्रकृते परम, हे कृष्ण आप प्रकृति से पार हो, आप प्रकृति से बिल्कुल परे हो।
प्रकृति आपको बाधित नहीं कर सकती। और इतना ही नहीं, अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम। कृष्ण आप अपने धाम में भी रहते हो, आप इस पृथ्वी पर भी रहते हो, ब्रह्म के रूप में कण कण में रहते हो और परमात्मा के रूप में इस संसार में सबके हृदय में रहते हो। भक्त, ये शास्त्र का सिद्धांत है, भगवान एक है लेकिन उनके तीन फेज है, भगवान एक है लेकिन उनके तीन पहलू हैं। जैसे इलेक्ट्रिक सिटी एक होती है लेकिन जो होल्डर होता है उसमें तीन होल होते हैं, एक न्यूट्रल होता है, एक ब्लैक, एक रेड और एक ग्रीन। इस प्रकार इलेक्ट्रिक सिटी एक है, उसके तीन फेज होते हैं, वैसे भगवान एक है लेकिन उसके तीन फेज हैं। और वो तीन फेज क्या है? वदंती तत्व त्रिदस तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान एक है लेकिन उसके तीन स्वरूप हैं। एक तो वे साकार रूप में अपने धाम में रहते हैं, दूसरा परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में रहते हैं, और तीसरा ब्रह्म के रूप में इस दुनिया के कण कण में रहते हैं। एक ही भगवान के तीन स्वरूप। कुछ लोग भगवान को मात्र निराकार मानते हैं। भगवान को निराकार मानना यह गलत नहीं है, लेकिन भगवान निराकार के साथ साथ साकार भी है, इसलिए भगवान साकार भी है निराकार भी है। ब्रह्म के रूप में कण कण में है, परमात्मा के रूप में जन जन के हृदय में है, और साकार स्वरूप में द्विभुज रूप में अपने गोलोक धाम वैकुंठ में विराजमान करते हैं। कृष्ण आप अपने धाम में भी रहते हो, आप कण कण में रहते हो, आप सबके हृदय में रहते हो, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम आप अंतर बहिर अवस्थितम, आप अंदर भी हो बाहर भी हो, अत्र तत्र सर्वत्र आप सभी जगह पर हो, लेकिन फिर भी संसार के लोग आपको देख नहीं पाते हैं। अलक्षम सर्वभूतानाम आप सब जगह पर होते हुए भी सबके लिए लक्षित नहीं हो पा रहे हो, दुनिया के लोग आपको देख नहीं पाते हैं। भक्तों, इस दुनिया में भी कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि आप लोग रात दिन हरे कृष्ण करते हो, कभी कृष्ण को देखा? अबे जिस आदमी को कभी आपने देखा नहीं, जिस भगवान से आप कभी मिले नहीं, उन्हीं का नाम लेते रहते हो, उन्हीं की भक्ति करते रहते हैं। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि जो जिसके साथ बात नहीं हुई, जिसको देखा नहीं, उनकी भक्ति आप कैसे कर सकते हैं? भगवान कृष्ण ने भी कहा कि हे माता, यदि मैं भगवान होता, इस संसार के कण कण में सब जगह पर अत्र तत्र सर्वत्र होता तो सब लोग मुझे देख पाते, मैं सब जगह पर उपस्थित हूं फिर भी लोग मुझे देख क्यों नहीं पाते हैं? और भक्तों, वास्तव में देखा जाए तो हमसे सबसे निकट कोई तत्व है तो वह है भगवान। कई बार हम लोग ऐसा कहते हैं ना, इज माई क्लोज फ्रेंड, ये मेरा बहुत क्लोज है, बहुत नजदीकी है। भक्तों, हमसे सबसे नजदीक भगवान है, क्योंकि आत्मा से सबसे निकट परमात्मा बैठे हैं। आत्मा के सबसे निकट वाला तत्व है परमात्मा, लेकिन जो हमसे सबसे निकट है उसी को हम देख नहीं पा रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? भगवान सब जगह पर है, अत्र तत्र सर्वत्र सब जगह पर है, फिर भी वो भगवान हमको दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? उस भगवान को देखने के लिए क्या करना होगा? आज भी आप जहां हो वहां उस भगवान को देख सकते हो, उस भगवान के साथ बात कर सकते हो। उस भगवान को देखने के लिए क्या करना होगा, यह बात महारानी कुंती अपने दूसरे श्लोक में कहती हैं, लेकिन यह दूसरा श्लोक कल शाम को 6:30 बजे। हरे कृष्ण। यदि आप चाहते हो भगवान का दर्शन कैसे हो,
यदि आप चाहते हो कि हम इस आंखों से भगवान को कैसे देखें, हम इन वाणी से भगवान के साथ कैसे बात करें, हम भगवान का कैसे अनुभव करें, यदि ये जानना चाहते हो तो कल 6:30 बजे आप यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि यहाँ से कथा प्रारंभ होगी। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठे रहिए, बहुत सुंदर कीर्तन होगा और कीर्तन के बाद आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Sahi bhakt prem se gaiye. Yeah.
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो हाँ राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नितई गौरांगो नितई गौरांगो नितई गौरांगो
नित्य गौरांगो नित्य गौरांगो नित्य गौरांगो नित्य गौरांगो नित्य गौरांगो नित्य गौरांगो गौर हरे सचिनंदन जय 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 सचिनंदन गौर हरे जय सचिनंदन गौर हरे जय सचिनंदन गौर हरे गौर 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 हरे गौर 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 हरे प्राण धन गौर हरे लक्ष्मी प्रिया प्राण धन गौर हरे विष्णु प्रिया प्राण धन गौर हरे विष्णु प्रिया प्राण धन गौर हरे नित्य गौर हरि बोल 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय हरिनाम संकीर्तन के श्रीमद्भागवतम महापुराण के कृष्णचंद्र भगवान की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। यहाँ पर आए हुए सभी भक्त वृंद की है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।